आज कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बेशर्मों की तरह संविधान की रट लगाए हुए हैं, जबकि सबसे अधिक संविधान की हत्या कांग्रेस ने ही की है। और आपको बता दें कि अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन इमरजेंसी में जेल में ठूंस दिया गया, 8 माह तक तड़पाया गया। जेल से छूटने के बाद 5 दिन में उनकी मौत हो गई थी। तंग कोठरी, पेशाब घर के नाम पर छेद और वो चीखें जो वाजपेयी ने सुनी थी, प्रताड़ना बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया गया, ऐसी कि रूह कांप जाए। इमरजेंसी की कहानी याद रखें सारे युवा, क्योंकि ऐसी कहानी है जिसमें घोर यातनाएं दी गई थी। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी, इसके बावजूद उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें उपचार नहीं दिया गया, कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। स्नेहलता ने स्वयं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात को रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी को कानून की औकात दिखाई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, और लेकिन 25 जून को इंदिरा गांधी ने संविधान की आड़ लेकर कानून और कोर्ट के साथ साथ देश की जनता से खिलवाड़ किया, जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में जो संदेश प्रसारित हुआ, उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस तरह कुचला गया, उसका लोकतंत्र का गला घोंटा गया है ना, संविधान को बेड़ियों में बंद कर दिया गया, और किस तरह प्रेस की आवाज़ को खामोश कर दिया गया, इससे हम सब परिचित हैं। इस दौर में विरोधियों को प्रताड़ित करने की भी एक से अधिक खौफनाक घटनाएं सामने आई थीं। इनमें से है एक कहानी जिसे बोलते हैं स्नेहलता रेड्डी की, इसे आगे सुनाता हूं मैं आपको। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल के दौरान सीधा कसूर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे महंगा पड़ा कांग्रेस की नज़र में चढ़ने वाले राजनेता से दोस्ती करना। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस ने बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र हुआ करती थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद करके उनके साथ ऐसी अमानवीय ता की गई जिसे सुनकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ एलके अडवाणी भी रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन दो दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी। कन्नड़ की मशहूर अदाकारा ना स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहते हैं। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120-121 के तहत आरोप लगाई गई थी। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थीं। इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को तड़पाया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था। स्नेहलता के साथ जेल में क्या क्या हुआ, शुरुआत में अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया और उनकी ऐसी कोठरी थी जिसमें केवल एक व्यक्ति मुश्किल से मतलब 4x6 का एक छोटा सा कमरा, और वो कितनी प्रभावशाली कला की प्रचार प्रसार करने वाली अभिनेत्री थी और कई पुरस्कार उन्होंने जीते थे। ऐशो आराम की जीवन जीने वाली व्यक्ति को, महिला को, एक्ट्रेस को बिना सोचे समझे, बिना किसी गलती के, बिना सवाल किए उन्हें कोठरी में, काल कोठरी में रखा गया। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं टॉर्चर किया गया। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी ने बाद में बताया कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। जेल में लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने लिखा कि जैसे ही एक महिला अंदर आती उसे बाकी के सामने नग्न कर दिया जाता था। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती, मतलब क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना जरूरी था? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अंतहीन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद भी स्नेहलता टूटी नहीं, उन्होंने अन्य कैदियों को काफ़ी मनोबल बढ़ाया, वहाँ भूख हड़ताल भी की। नतीजन जिन महिलाओं को जेल में बुरी तरह पीटा जाता था, जेल से छूटने के 5 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी।